असलम ग्रुप में वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तोलो और आप लोग देख रहे हैं फन एंटरटेनमेंट विद तोलो। आज की मेरी वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज हम लोग करने वाले हैं अबाउट मी वीडियो। इसमें आपको मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया, कब मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू की और कब मैंने चैनल बनाया और मैंने फ़न चैनल ही क्यों बनाया, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं कौन से ग्रेड में हूँ, मतलब इस तरह की आपको मेरे बारे में जानने को मिलेगा। फ्रेंड्स आखिर तक तो वीडियो में रहिएगा, क्योंकि मैं ना मैं आपको बहुत ही ख़ास बात बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट इन टू द अबाउट मी वीडियो। इसे काट देना। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। मेरा मतलब है जो स्टार्टिंग थी ना उसको स्टार्ट से करते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग थी उसको आई एम कन्फ्यूज, काम डाउन काम डाउन। मतलब स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से मैं यूट्यूब पे आया था। मैंने सबसे पहले किसकी वीडियो देखना शुरू की और मैं यूट्यूब पे किसकी वजह से आया था। फिर यूट्यूब पे मैं फेसबुक की वजह से आया था, मतलब फेसबुक पे राहिम परदेसी चैनल, मतलब कौन नहीं जानता परदेसी साहब को और नसरीन साहिबा को, इन दोनों की कॉमेडी आई लव इट। मैं फेसबुक पे इनकी क्लिप्स देखता था। फिर मुझे इनका यूट्यूब चैनल के बारे में फेसबुक से पता चला, उन्होंने लिंक भेजी हुई थी, मैंने क्लिक किया, यूट्यूब क्रोम से खुल गया, क्योंकि तब डाउनलोड भी नहीं हुआ हुआ था यूट्यूब हमारे पास, तो क्रोम से खुला। तो मैं तब मैंने एक्सप्लोर किया और यूट्यूब के क्या क्या है। तो आप समझ लें जैसे ये वो फर्स्ट चैनल था जिसे मैंने सब्सक्राइब किया था और अभी तक मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। वो मेरी इंस्पिरेशन थी फ़न वीडियोज़ बनाने के लिए, आप समझ सकते हैं, और मेरी बहुत सारी इंस्पिरेशन थी फ़न वीडियोज़ बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ मेरी कुछ इंस्पिरेशन। और जैसे आपने राहिम परदेसी सुन ही लिया होगा, इसके बाद माय मिस आनंद, वो भी बहुत फ़नी वीडियोस बनाती हैं, वो तकरीबन मेरे एज की हैं। उनके भी मैंने फ़नी वीडियोस देखी थी, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं अपने चैनल में वीडियो बनाते हुए, और मुझे उनसे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं कि मुझे आगे इस तरह का बनानी चाहिए वीडियोज़। तो इनकी पूरी एक प्रोडक्शन है, श्रुति अर्जुनान प्रोडक्शन। उनके बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर आपको कुकिंग सीखने को मिलती है, फन एंटरटेनमेंट, गर्ल्स के लिए मेकअप और फनी वीडियोस, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं इनके, DIY क्वीन इस तरह के। तो मैं उनकी पूरे सारे चैनल्स को फॉलो करता हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने चैनल के बारे में। अब हम लोग आते हैं मेरे स्टडीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से, मतलब मैं 7th ग्रेड में पढ़ता हूँ, फ्रेंड्स मेरे ख्याल से मैं स्टडीज़ में अच्छा ही हूँ, मतलब उतना अच्छा नहीं हूँ और उतना बुरा भी नहीं हूँ, मतलब आई एम गुड स्टूडेंट। की ये नहीं है कि मैं अच्छे मार्क्स नहीं लाता या फिर बहुत अच्छे लाता हूँ, ऐसा नहीं है। लाइक 90 पे रहता हूँ मैं, ना 80 पे आया हूँ कभी, ना 100 पे गया हूँ कभी, मतलब कभी कभी ज़्यादा कम हो जाता था, लेकिन आई एम नॉर्मल स्टूडेंट। और अब आते हैं मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। फ्रेंड्स माई बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान, पर मैं रह रहा हूँ सऊदी अरब में। फ्रेंड्स पाकिस्तान में मैं KPK में रहता हूँ, KPK में मेरा सिटी है एबटाबाद। फ्रेंड्स मेरा सिटी एबटाबाद इसको नोन एज सिटीज़ ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। फ्रेंड्स इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल प्लेसेज एंड देर आर सो मैनी स्कूल्स, हायर टू हायर स्टैंडर्ड स्कूल्स आर देयर। लाइक आई एम नॉट, याद नहीं आ रहा अभी, बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, पेप बर्न हॉल एंड लाइक दिस, बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं। और फ्रेंड्स वहाँ पे मिलिट्री एकेडमी भी है, मतलब पाकिस्तान में हमारे जो फौजी है जो हमारे मुल्क को प्रोटेक्ट करते हैं वो हमारे एबटाबाद से पढ़ के जाते हैं। वहाँ पे एक मिलिट्री बेस भी है, मतलब बहुत सारी वहाँ पे उसामा बिन लादेन की कहानी भी एबटाबाद में ही हुई थी, मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। वहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, मैं आपको सारे गिनवाते बैठूँगा तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी, तब टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे पहले आते हैं मेरी फेवरेट जगह जहाँ पे मुझे सब अपनी पूरी फैमिली के साथ जाना बहुत पसंद है, हरनो। आपको पता होगा अगर आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, हरनो, ठंडियानी, अयूबिया, नथिया गली, इस तरह की बहुत सारी प्लेसेस हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करें, आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी। नारायण कागान, आपने वो सुना होगा, नारायण कागान का नाम वहाँ पे बहुत, वहाँ पे भी एक बहुत प्यारी झील है। आप गूगल पे जाके सर्च करें, आपको सब कुछ हमारे एबटाबाद के बारे में मिल जाएगा, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब वैसे तो मुल्कों में होता है 4 सीजन, हमारे एबटाबाद में ही होते हैं 4, मतलब एक ही बात है मुल्क में, शहर में हो। तो फ्रेंड्स हमें इतना लकी हूँ दोनों तरफ में, सऊदी अरब में रह के खाना काबा और मदीना मुनवरा में गया, मैंने बहुत सारे उम्रे भी अदा किए हैं। तो
आई एम वेरी लकी कि इतनी सी एज में मदीना मनोवरा को मैंने देखा, और फ्रेंड्स रियाजुल जन्ना में मैंने नफल भी अदा किए, तो आई एम वेरी लकी। और पाकिस्तान में भी आई एम वेरी लकी, क्योंकि मैं वहाँ पे मैं कुछ 6-7 या 8 साल का था कि मैं आ गया था पाकिस्तान से सऊदी अरब। मैं बहुत खुशी हुई यहाँ आके, मतलब पहले 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 2 साल लाइक मैं बहुत तंग होता था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते था जब तक 40 साल ना हो जाए हम यहाँ रहे हुए। तो मतलब वहाँ पे फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स ही होते हैं, तो हम लोग बहुत तंग हो जाते थे। पाकिस्तान में माशाल्लाह वहाँ पे हम लोग बहुत खुली जगह थी, हमारा घर माशाल्लाह बहुत बड़ा था, हम लोग वहाँ पे बाहर कभी भी जा सकते थे घूमने के लिए, अकेले भी जा सकते थे, क्योंकि हमारी जैसे एक होता है ना सोसाइटी थी हमारी, जो हम सब एक दूसरे को जानते थे, हमारे जो नेबर्स थे मतलब आसपास दूर दूर तक हमारे सारे नेबर्स थे, वो सब हमें जानते थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे बाहर निकल में। लेकिन यहाँ पे आपको पता है प्रॉब्लम होती है, अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए कभी भी, खासतौर पे बच्चों को। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मैं अपनी फैमिली को पाकिस्तान में मिस करता हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं आई एम वेरी लकी। मैंने आपको बताया मैंने मक्का और मदीना की ज़्यारत की, आई एम वेरी लकी। बट हु डोंट मिस हिज कंट्री, हिज और हर, हाँ हु डोंट मिस देयर कंट्री। आप कहीं भी चले जाएँ, कहीं भी चले, आप अमेरिकन हैं, आप बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, कोई भी हैं, आप अपनी कंट्री में वापस आना चाहेंगे, चाहे आप जितनी भी कंट्रीज में घूम फिर आएँ या फिर आप कहीं परमानेंटली रहने जाते हैं, तो लेकिन आपको अपनी जो कंट्री होती है ना वो आप उसे ज़रूर मिस करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस स्पॉट तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। मैंने आपको बताने वाला था कि मैंने ये वीडियो इसलिए डाली है ताकि आप इस वीडियो को देख के इन्जॉय कर लें, ताकि मैं एक दूसरी वीडियो बना रहा हूँ उसको मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और कि मैं अच्छी से अच्छी बनाऊँ। वीडियो बहुत ही अलग है, मतलब हॉरर वीडियो है, मैंने आपको इतना बता दिया। अब किस तरह की हॉरर वीडियो होगी, लाइक हॉस्पिटल, घर, लाइक स्कूल, कौन सी हॉस्पिटल हॉरर होगी, वो आपको मेरे चैनल पे रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने कमेंट्स क्यों ऑफ कर देता हूँ, कि मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर, अपने फ्रेंड्स के उनकी जो सजेशन है, उनकी जो विजन है मेरे बारे में, वो मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। पर फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ कोपा एक नया लॉ इशू हुआ है फ्रॉम यूट्यूब, जिसकी वजह से जो भी यूट्यूब बच्चों, जो भी यूट्यूब चैनल एक बच्चे का है, या फिर उसमें कोई बच्चा एक्ट कर रहा है, या फिर वो बच्चों को नज़र में रखते हुए बनाए गए हैं, तो हमें ये सेटिंग मेड फॉर किड्स करना पड़ेगा। आप में से बहुत जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें पता होगा कि ये क्या है, इस वजह से ना ही आप मेरा बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं और ना ही कमेंट्स ऑन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड जल्दी मैं अपनी चैनल की डिस्क्रिप्शन में, आप जब मेरे चैनल में जाते हैं तो अबाउट वाली जगह पर जाके वहाँ पर मैं एक ईमेल डाल दूंगा, जहाँ पर मुझे आप अपने सजेशन दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सॉरी आई एम सो सॉरी, कमेंट सेक्शन तो होता ही नहीं है, लेकिन हाँ मेरी ईमेल में ज़रूर बताइएगा, ईमेल में जल्दी सेंड कर दूंगा, तो बता दीजिएगा अपने सजेशन। हाँ लास्ट थिंग, बेल आइकन वो भी नहीं होता यार, ये क्या बात है, मैं जा रहा हूँ, मैंने नहीं करना है। और हाँ बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।